अब आपकी बारी है कि आपने 3 अध्याय सुने, उसमें से क्या चीज आपको अच्छी लगी, किस पर आप काम करना चाहेंगे। माइक पे बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ नारायण नारायण, जब मैं 21 साल की थी और बीएससी कर चुकी थी, उसी समय मैं जॉब भी कर रही थी उसी स्कूल में, तो जब मैं 2-2:30 बजे आया करती और माँ मेरी इंतजार किया करती, 10 लोग घर में थे, लेकिन सब खाना खा चुके होते, सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते, माँ ही थी जो इंतजार करती। लेकिन उस समय शायद मैं समझ नहीं पाई माँ की उस ममता को, तो मैं गुस्से से कहती, माँ आपने अभी खाना नहीं खाया, आप भी मेरे लिए इंतजार करते रहते क्यों? तो माँ बोली, नहीं बेटा, फिर आप अकेले हो जाते हो ना, इसलिए मैं इंतजार करती हूँ। लेकिन जब मैं माँ बनी और मेरी बेटी 10-11 साल की थी, गोकुल धाम में ही पढ़ती थी, बहुत दूर नहीं था स्कूल, और मैं भी गोकुल धाम में थी, वो 10 मिनट लेट हो जाती, मैं गाउन में भागती बिना चप्पल के नीचे आ जाती, तब मुझे एहसास हुआ कि माँ क्या है और माँ की ममता क्या है। शायद अभी दीदी ने जो कहा कि माँ की जो विश होती है सारे बच्चों की ही विश होती है, तो आज वो एहसास कर सकी। लेकिन आज हमारे पास माँ नहीं है, आज बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और बहुत आगे हैं। हर बार माँ, बेटी मेरी बोलती है हक करके, आई लव यू माँ, आई लव यू, आई मिस यू। बेटी हमसे बहुत दूर है, मेडिकल स्टूडेंट है, से वो कर चुके इंटर्नशिप, ज्वाइन कर लिया, डॉक्टर है, लेकिन वो कहीं भी जाए, आज हमारे और बेटी के बीच इतना अच्छा संबंध है कि सारे कैंपस में कहते हैं बेटी हो तो गीतांजलि जैसी। और उसके बाद भी वो कहीं भी जाए, वो मुझे बताए बिना कि मॉम मैं पिक्चर जा रही हूँ, मैं आज इस दोस्त के साथ में हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे हर पल की वो बात कहती है। तो मुझे लगता है हर माँ को बेटी पे विश्वास करना चाहिए और उसके साथ इतने अच्छे प्यार से संबंध हो, कभी नाराज ना हो, जब बच्चा कह रहा हो ध्यान से सुने उस बात को, उसके बाद जब वो शांत हो तब अपनी बात उसे समझाएं। तो बच्चे और बेटियाँ बहुत अच्छे समझती हैं, और ये तो चिड़ियाएँ कब उड़ जाएंगी मालूम नहीं, इन्हें जितना प्यार दे सकते उतना प्यार दे। ये माँ है जो शब्द सारी दुनिया का प्यार समाया इस माँ के सद में। हाँ हाँ, प्रसाद आपका, अरे विनर है आप तो। मुझे किसी ने कहा कि मदर्स डे बगैर तो विदेशों में मनाया जाता है, ये भारतीय संस्कृति नहीं, क्यों इतना आप इसको इनकरेज कर रहे हैं? ये प्रश्न आया हमारे पास, ये तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ तो क्या एक सर्टन एज के बाद पेरेंट्स को छोड़ देते हैं तो एक दिन जाकर मिलते हैं, तो ये वहाँ की संस्कृति, हमारी माताएं हमारे साथ थी, तो क्यों ऐसा ये मदर्स डे मनाने की ज़रूरत है? एटलीस्ट आप तो इस पदवी पर हैं तो आप इसको इनकरेज मत कीजिए। हमने उन्हें कहा कि हम सब, हकीकत है कि माँ से तो सब लोग प्यार करते हैं, पर कई बार संकोचवश या याद भी नहीं होता कि हमें जताना भी चाहिए, ये भाव नहीं मालूम होता। तो जब आज के दिन तो मुझे लगता है 100% घरों में हर बच्चों ने अपनी माँ से तो कहा होगा हैप्पी मदर्स डे, है ना, कुछ ना कुछ गिफ्ट लाई होगी, चाहे गुलाबी लाया हो, है ना। तो होना चाहिए, ये दिन मनाना चाहिए कि एक दिन तो हम जताएं, बताएं, हम तो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। वैलेंटाइन डे भी मनाना चाहिए, मदर्स डे भी मनाना चाहिए। हाँ नारायण नारायण दीदी, सबसे पहले आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि हमें इतना सुंदर आपने निखारा है। कुछ घटना याद आ रही कि जब शादी के बाद पीहर जाती थी कलकत्ता, तो मम्मी मतलब जब जाते तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर तो सुबह लेट तक उठे, लेकिन जिस दिन पहुंचते थे उस दिन के नेक्स्ट डे खाली उठना होता था। उसके बाद मम्मी का ये कहना होता था कि सोने में अपना समय इन्वेस्ट नहीं करना है, और आपके अंदर बहुत प्रतिभा है, उसे आपको निखारना है। तो न सुबह सोने को मिलता था, न दोपहर को सोने को मिलता था। और पापा कई बार बोलते थे कि मतलब पियर आई तो कम से कम यहाँ तो ऐसे शांति से इसके मन चाहा करने दे, लेकिन वो मम्मी की जो सीख उस वक्त थी वो आज हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन कर रही है। और चूंकि कलकत्ता है लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे और मम्मी जो मिली है आज सुबह
आंटी थी, मैंने उनको हग किया, हैप्पी मदर्स डे विश किया, और मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज जो कुछ भी हूँ मैं उनकी ही टीचिंग से यहाँ पे हूँ। क्योंकि पियर में तो हम बहुत प्यार से बच्चे के रूप में रहते हैं, ससुराल आने के बाद वो हमारा अपना घर होता है, और उनके मार्गदर्शन से ही, भले ही वो डांट के रूप में मिले चाहे किसी भी रूप में मिले, लेकिन जब हम सीखते हैं तो नाम सबसे पहले उनका ही रोशन करते हैं। तो मम्मी को मैं बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ कि ऑलराउंडर बनाने का सारा श्रेय उन्हीं को ही जाता है। नारायण नारायण दीदी, धन्यवाद। माँ के प्रति भाव भी जाहिर कर सकते हैं, और इस सत्संग के माध्यम से आपने क्या सीखा, क्या समझा, क्या परिवर्तन आया, वो चीजें भी आप शेयर कर सकते हैं। नारायण नारायण, मैं आज दूसरी बार ही आई हूँ इस सत्संग में, पर इसका इफेक्ट इतना पॉजिटिव है हमारी लाइफ पर। लाइक मेरे बेटे ने फर्स्ट टाइम सीए एग्जाम्स दिए थे, कमी होने की वजह से क्लियर नहीं कर पाया, पर मेरी फ्रेंड है किरण अग्रवाल जो यहाँ रेगुलर आती हैं, लंदन से उनका व्हाट्सएप कॉल आया कि अलका आज सेशन है आप ज़रूर जाना, और दीदी की बातें सुन सुनकर वही मैं अपने बेटे को बता बता कर, आज फिर उसका पेपर है सीए फाइनल्स का, इतनी पॉजिटिविटी आई है जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। क्योंकि बच्चा जो टॉपर था कभी फेल नहीं हुआ, पर दीदी की बातें ऑफलाइन यूट्यूब पर देखकर सुनकर, और जो मेरी फ्रेंड मुझसे व्हाट्सएप पे शेयर करती वो पढ़कर उसे सुनाती थी, बाय ग्रेस ऑफ गॉड दीदी के आशीर्वाद से आज बेटा बहुत पॉजिटिव है। आज वो सीए एग्जाम लॉ का पेपर है उसका, आप सबसे आशीर्वाद चाहिए, वो भी वो अच्छे से कर ले। जोर से नारायण नारायण बोलकर आशीर्वाद दीजिए। हाँ, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ, यस ऑफ कोर्स, बेटे के लिए। हाँ नारायण नारायण नारायण, जो दूसरी बात दीदी ने, पहले तो नारायण नारायण दीदी, मैं भी आज दूसरी बार ही आई हूँ। हाँ। पहले एक बार आई थी, आज रजनी भाई लाहौटी है। हाँ। उन्होंने हाँ। बोला आज आप जरूर आना। हाँ। तो मैं दीदी का प्रोग्राम देखी थी। हाँ। टीवी पे एक बार, तो फिर आज मुझे लगा कि मैं जा रही हूँ। तो मेरा जो दूसरा सत्र आपने बताया। हाँ। कि जब बहुत लेट हो जाती है अपने जीवन को सुधारने। हाँ। के लिए आगे। हाँ। के लिए। हाँ। तो मैंने भी अभी, मेरे गुरुदेव हैं वृंदावन में, आश्रम बन रहा है, तो उसमें छोटी सी सेवा मैंने अंदर से जब फर्म हो गई कि मुझे ये जीवन अब उसी में अर्पित करना है, तो मेरी पूरा आलस्य सब चीज़ बदलती जा रही है, अंदर से बहुत चेंजेस आ रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि मेरी जो बहनें हैं मेरे गुरुदेव की। हाँ। सब इसी में जुड़ी रहें और माने हम लोग आगे बढ़ते रहें। हाँ। तो जो अपना फर्म डिसीजन आपने बताया। हाँ। उससे हम काफ़ी आगे बढ़ते हैं। शाबाश नारायण नारायण। वसूल है यदि एक ने भी स्वीकार किया कि फर्म डिसीजन रखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद नारायण नारायण। दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज जो दूसरा दीदी ने जो प्रवचन बताया, जिसमें राघव का दूसरा अध्याय, राघव का तीसरा अध्याय था। हाँ। उसमें जो ने जो राधिका का। हाँ। हाँ, तो वो जो दिनचर्या थी, तो एक क्लासेस का सर होकर भी जो मेरे में आलस है, वैसे कि 2010 में बताना हुआ था कि अटैक आया था, तो तभी लाइफस्टाइल थोड़े दिन के लिए की गई, लेकिन अभी 2 साल से जो है वो फिर से बिगड़ा दी कि जब क्लास का वक्त होगा उसके पहले आधा घंटा उठना और जाना, और वॉक पर न जाना, यानी खुद के शरीर के ऊपर कुछ। हाँ, काम नहीं किया जाता था। हाँ, तो अभी दीदी ने जो कहा, तो इसके लिए मैं जागरूक होगा कि हर मेरा जो शेड्यूल है उस शेड्यूल में कि स्वतः के लिए व्यायाम करना है, पैदल चलना जो डॉक्टर ने कहा है वो उतना चलना ही है। मेरी बीबी है, उसको सामने में बताता हूँ। हाँ। वो भी खबरदारी देगी। हाँ। और मुझे का पड़ी। मुझे बार बार टीज करेंगे, अरे अगर मैंने आलस किया तो। हाँ। और दिन में जैसे कि नई चीज जो सीखने के लिए। हाँ। मिलेगी उसके ऊपर भी काम करेंगे, क्योंकि मुझे भी मेरे टीचर ने एक बात बताई थी दीदी। हाँ। सिर्फ बोलना। हाँ। चाहता हूँ। हाँ। उन्होंने कहा है कि अगर मनुष्य जन्म आपको मिला है। हाँ। तो आप कुछ ऐसा करो
कि जब आप जन्म नहीं लेते तो वो चीज हो ही नहीं सकती थी। वो हमारे सात स्टूडेंट के लिए उन्होंने जो इंस्पायर किया, तो सभी जो सात स्टूडेंट है, एक अमेरिका में है, एक अलग अलग जो सिविल इंजीनियर है, हर जगह पर सेट है और ये क्लासेस चलाता है। तो वो बात जो है वो गुरु के माध्यम से फिर से मुझे रिमाइंडर हुई कि ये तो करना ही है लाइफ में, मरने से पहले ये काम करना है कि खुद के लिए भी वो गर्व हो और दूसरों के लिए भी वो गर्व हो, यानी वो एक पथ बने कि जिससे समाज को फायदा ही हो। तो धन्यवाद आपके असीम कृपा के लिए, धन्यवाद। ये निश्चित है कि हम सब ने कुछ विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लिया है, निश्चित है ये। नारायण नारायण। हाँ, एक्सरसाइज तो आपकी आज भी हो जाएगी। हाँ, आज से शुरू होगा और वॉकिंग भी। हाँ, नारायण नारायण दीदी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारा जीवन का सर्वोत्तम दिन है। मदर्स डे तो सर्वोत्तम दिन है ही ना। नारायण नारायण दीदी, आज मतलब मैं 5 साल से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मेरे को लगता था कि कि मेरे परिवार मेरे साथ में आए, सत्संग में आए। आज वो दिन हुआ है कि मेरा बेटा मेरे साथ में, मेरे सास में आया है और उसको इतना अच्छा लगा है कि मेरे को चलना है मम्मी आपके साथ में, और वो बहुत खुश है। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है मदर्स डे का आपके लिए, सबसे बड़ा गिफ्ट है। मेरी पोती तो मेरे साथ में आती ही थी, आज मेरा बेटा भी मेरे साथ में आया हुआ है। और 2014 में जब आपने मुझको डायरी दी थी तो मैंने अपने आप ऐसे ही लिखा कि मुझको मेरा 2015 में 4-bedroom फ्लैट हो जाए। वो ऐसा हुआ कि मेरे मतलब सोचना भी नहीं था मुझको, और 2015 में मेरा फाइनल अपने आप 4-bedroom फ्लैट हो गया। नारायण नारायण। और जिसमें हम 2016 में हम लोग शिफ्ट हो गए हैं। ये सब दीदी आपका, ये इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आ गई है कि मतलब अब कुछ और कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। यही बोलते हैं जो होगा सब बहुत अच्छा ही अच्छा होगा। नारायण नारायण दीदी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण, बधाई हो भी, बधाई हो। दीदी आपने तो हमारी पुरानी यादें, हमारा बचपन पूरा याद दिला दिया। हम छोटे थे तो हम कलकत्ता में पढ़ते थे, तो मेरे पिताजी हमको 4 बजे जगा देते थे। और 6 बजे की स्कूल थी तो मम्मी हमको टिफिन गरम नाश्ता बना के टिफिन में डालती थी। तो हमको वो दिन याद है कि 4 बजे उठा के गरम पानी बना के देना और वो गरम टिफिन बना के देना, वो चीज़ें कितना मतलब मेहनत। और वो क्या बोलते थे, जीवन का अर्थ है समय, जो जीवन को व्यर्थ न गवाए। जीवन का अर्थ है समय, जो जीवन को प्यार करता है वह आलस में समय न गवाए। उनका एक पेट वर्ड था, वो हम कभी भी उनसे मिलते थे वो हमको एक ही बात बोलते थे। और जब ससुराल आ गए तो हमको एक ही शिक्षा देती थी, बेटा सेवा सुमिरन और तप, तीनों को आप कभी ना भूलना। बस आज वो सब चीज़ें, तीनों चीज़ों के माध्यम से वो तीनों चीज़ें माँ बाप मतलब मम्मी पापा बहुत बहुत याद आ रहे हैं। और वो यादें वापस लिखो। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी सफलता का राज क्या है, मैं उनसे एक ही चीज बताती हूँ कि जब कभी समय टाइम मुझे मिलेगा, वो मुझे ये नहीं कह पाएगा कि तुमने मुझे व्यर्थ गवाया। नारायण नारायण दीदी, कोटि कोटि प्रणाम। कुछ भूलो तो माफ कीजिए। नारायण 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 नारायण। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, ट्यूशन लेती हूँ, तो उसमें से एक बच्चा, एक लड़की बहुत वीक थी, मैं रोज उसके लिए प्रे करती थी। मैं अपने बच्चों के लिए तो करती हूँ, लेकिन मेरे जो ट्यूशन वाले बच्चे आते थे मैं उनके लिए भी बहुत प्रे की। और आपका जो भी आप सिखाते हैं मैं वहाँ उनको भी बताती हूँ। और वो बेटी पास हो गई तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आपकी वजह से मैंने नारायण जी को बहुत याद किया और वो बच्ची पास हो गई इसी खुशी से। मुझे दूसरे को सबसे बड़ा अचीवमेंट है ये। आज के सत्संग से हमने क्या सीखा और क्या फॉलो करेंगे पूरे महीने, कौन आके बताएगा। नारायण नारायण धन्यवाद। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ है, मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। दीदी ने माँ के बारे में बताया, सुन के ही हृदय इतना पिघल गया कि बोलने के लिए कोई शब्द बचे नहीं है। माँ बहुत छोटी थी
तभी चली गई थी। लेकिन कहती थी हमेशा कि जहाँ जाओगी उन्हें अपना माँ बाप मान के उन्हीं के साथ अपना पूरा जीवन बिताओगे, हमारे साथ तो कुछ ही समय रहना है। कभी कभी ये बातें बहुत छोटे रूप में कान में रह गई थी, उसी से आज तक फॉलो कर रही हूँ। मेरी 85 ईयर्स के मेरे ससुर जी हैं और 16-17 साल मेरी सासू जी को जाके हो गया है और शायद उससे भी ज़्यादा माँ को जाके हो गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो भी कुछ आज पास में है उसका जितना बन सके उतना काम करो। और कुछ समझ में बात ज़्यादा आती नहीं है, दीदी से मिलने के बाद इतना ज़्यादा समझ में आ गया कि हर पल हर इंसान में नारायण का रूप में देखो। जब भी किचन में जाती हूँ तो यही कहती हूँ, हे नारायण तू ही खाना बना रहा है और तेरे लिए ही खाना बन रहा है। दीदी को ही आज तो मैं सही रूप में अपनी माँ के रूप में देखना चाहती हूँ और माँ के रूप में ही देख रही हूँ। मुझे नहीं मालूम ना माँ है ना सास है ना कोई और है, बस हृदय में एक ही भगवान है, वो नारायण है और नारायण है। नारायण नारायण। माँ हमें हाथ पकड़ के मंदिर ले जाती है, अच्छी अच्छी जगह ले जाती है, लेकिन एक और माँ भी होती है जो होते हैं हमारे गुरु। और आज मैं सबके सामने मेरे गुरु रजनी लाहोटी के पैर पड़ती हूँ और आप सबसे इनके लिए ढेर सारे आशीर्वाद मांग रही हूँ। इनकी आज 50th मैरिज एनिवर्सरी है, 50वीं एनिवर्सरी, हम 51 बार राम राम करेंगे। यस, और आज का प्रसाद भी इन्होंने तीन राम राम चार राम राम पांच राम राम तीन राम राम सात राम राम आठ राम राम नौ राम राम दस राम राम ग्यारह राम राम बारह राम राम तेरह राम राम चौदह राम राम पंद्रह राम राम सोलह राम राम सत्रह राम राम अठारह राम राम उन्नीस राम राम बीस राम राम इक्कीस राम राम बाईस राम राम तेईस राम राम चौबीस राम राम पच्चीस राम राम छब्बीस राम राम सत्ताईस राम 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 उन्नीस राम राम बीस राम राम इकतीस राम राम बत्तीस राम राम तैतीस राम राम चौंतीस राम राम पैंतीस राम राम छत्तीस राम राम सैंतीस राम राम अड़तीस राम राम चालीस राम राम चालीस राम राम इकतालीस राम राम बयालीस राम राम तिरालीस राम राम चौवालीस राम राम पैंतालीस राम राम छियालीस राम राम सैंतालीस राम राम अड़तालीस राम राम उनचास राम राम पचास राम राम इक्यावन राम राम नारायण नारायण राम राम इक्यावन। यस नारायण नारायण दीदी, आज ये बोलना चाहती हूँ कि आप तो खुद 50 साल कैसे लग रहे हो, एकदम यंग मेंटेन। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से बीते, बहुत अच्छा रहा। सब लोग आप जो सीख दिए वो सीख हमने पहले हमारी माँ से सीखी थी, उसके वजह से सब अच्छा ही हुआ है, आज भी सब अच्छा ही लग रहा है। खाली एक बात मेरे को थोड़ी ये होती थी कि बच्चे ये अध्यात्म में नहीं जाते हैं, समझते नहीं है या फिर वो मालूम नहीं क्या है वो, पर मैं पॉजिटिव थी। आज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज मेरा लड़का खुद मेरे को यहाँ छोड़ने आया। नारायण नारायण नारायण। हेलो नारायण नारायण, पहले दफे बोल रही हो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे बोलना है। मेरी शादी 15 साल में हुई, माँ बाप को तभी तो स्कूल में थी तो कोई ध्यान में नहीं आया था, लेकिन मेरे जिठानी ने रजनी बाई लाहोटी ने मेरे को छोटे से बड़ा किया, पूरा माँ जैसे मेरे को नारे, नारे। मेरे को कभी माँ बाप की याद नहीं आई उनके होते हुए। नारायण नारायण। एक्चुअली जब भी फर्स्ट टाइम मॉम ने बोला था रेकी चैनल ज्वाइन करो एंड ऑल दैट, आई वाज वेरी एंग्री कि क्यों मुझे ये सब में लेके जा रहे हो, जनरली यंग जनरेशन वगैरह। कौन लेकर आया आपको? मेरी मॉम एंड आई रियली, शी इज देयर। अच्छा, आई रियली वांट टू थैंक हर कि उनके यही ड्रीम था कि मैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करूँ। आई चेंज माई लाइफ वेरी पॉजिटिवली एंड आई वांट टू थैंक यू कि आपने हमारी लाइफ इतनी अच्छी बनाई। वी हैव सो मच टू डू एंड वी आर गोना मेक दिस बर्थ रियली वर्थ इट। थैंक यू सो मच। वसूल आज का सत्संग वसूल है। यस, इसको दो, हाँ दो, डबल डबल डबल। यस, गॉड ब्लेस यू। नारायण नारायण नारायण। हाँ, मेरी लाइफ में मैं जो भी कर रही हूँ, जिससे भी इंस्पिरेशन मिला है, वो सब मेरी मॉम की वजह से मिला है। थैंक यू मॉम, हैप्पी मदर्स डे। नारायण नारायण।
बस नारायण 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 नारायण। बस अंजू जी आपके बाद, आप लास्ट। हाँ बाकी लोग बैठे रहें। हाँ नारायण नारायण। आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ, मैंने बहुत एफर्ट लिया है यहाँ आने के लिए और मेरी बात बोलने के लिए। सबसे पहले तो मैंने बहुत अपने ईगो को कवर किया है अभी बैठे बैठे, बिकॉज हाँ नो यस नो यस नो चल रहा था कि बोलूँ कि नहीं बोलूँ। बट यस आई वॉन्ट टू शेयर इट ऑन दिस मदर्स डे। आपने बोला कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने क्या समझा इस सत्संग से, आज के सत्संग से, और उसको हम लोग कैसे अप्लाई करने वाले हैं थ्रू आउट दिस मंथ। ओके नाउ इवन आई एम अ मदर और मेरी भी मदर हैं। ये होता है कि मेरी मदर मुझे बहुत सारी चीज़ें बोलती हैं जिसको मैं आई फील कि शी इज़ नॉट यू नो अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट इन लाइफ। जैसे मैं पढ़ना चाहती हूँ तो वो कहती हैं अभी क्या पढ़ना है, और मेरी डॉटर है मैं उसको बोलती हूँ तुझे जितना पढ़ना है तू पढ़। सो ऐसी बहुत सारी इंस्टेंसेस होती है वेर एन आई फील के दैट शी इज़ नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मी। लेकिन टुडे व्हेन आई वाज विशिंग हर इन द मॉर्निंग शी जस्ट सेड मी वन थिंग कि अ मदर, एक माँ हमेशा अपने बच्चों की खुशियाँ मांगती है, शी वॉन्ट्स हर चिल्ड्रन टू बी हैप्पी। बट उस टाइम पे भी मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि जब अगर माँ खुशियाँ मांगती है तो फिर वाई डज शी ऑलवेज टेल मी कि ये नहीं करना वो नहीं करना ऐसे करो वैसे करो, एंड इट वॉज इरिटेटिंग मी। आई सेड पहले आप अपना पर्सपेक्टिव तो चेंज करो मेरे लिए, आप मुझे बोलते हो कि आप, मैं एक माँ खुशियाँ मांगती है, लेकिन आज आपका पर्सपेक्टिव आज भी मेरे लिए क्या है और मेरा पर्सपेक्टिव आप देखिए मेरे बच्चों के लिए क्या है। बट आफ्टर नाउ अटेंडिंग द सत्संग, लिसनिंग टू यू, एनालाइजिंग इट, आई अभी मैं ये पूरा मंथ अपनी डायरी में लिखने वाली हूँ, हे परमात्मा हे ईश्वर नारायण प्लीज़ मेरी माँ की सारी इच्छाएँ पूरी करना। दिस इज़ द थिंग आई एम गोइंग टू डू द एंटायर मंथ, और एक महीने बाद मैं फिर आपको उसका रिजल्ट ज़रूर यहाँ पर बताऊँगी। थैंक यू नारायण नारायण। नारायण नारायण। दीदी माँ को आज मैं तीसरी दफे सुन रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब और हम सब मिलके दीदी माँ के जो माता पिता हैं उनका धन्यवाद दें कि उन्होंने इस प्रकार की एक पुण्यात्मा को जन्म दिया है और लाखों लोगों को मार्ग पे लेके आए हैं, उनको सत्संग सिखाया है कि नारायण क्या है, जीवन क्या है, जीवन कैसे जीना चाहिए, आपस का संबंध कैसे होना चाहिए। इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ दीदी माँ के माता पिता को, और उनके साथ में इनके परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो इनको पूरा सहयोग दे रहे हैं, और ये उनके सहयोग से ही ये सब काम कर रही है। सच्चाई है नारायण नारायण नारायण, परिवार का पूरा सहयोग है, सच्चाई है। थैंक यू मच, थैंक यू भाई जी, थैंक यू भाई जी, भाई जी नारायण। अगेन एक बार आप सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, नारायण ब्लेस यू, नारायण ब्लेस यू, नारायण ब्लेस यू। और करबद्ध प्रार्थना, जितना भी आप सुनते हैं हम ये नहीं कहते कि आप उस पर 100% फॉलो करें, कुछ इतना सा तो लेकर जाएं, इतना सा तो फॉलो करें। और पर करना नियमित है, एक दिन किया दो दिन नियमित करेंगे तब फर्क महसूस होगा आपका। आप अपना कीमती समय देते हैं, एफर्ट डालते हैं, कुछ रिटर्न में लेकर जाना चाहिए ना। एक सब्जी वाले से जब हम सब्जी खरीदते हैं तो कितनी बार्गेनिंग करते हैं, कीमती पैसा देना है इसलिए, मेहनत का पैसा देना है इसलिए। तो यहाँ तो आप अपना कीमती समय दे रहे हैं जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, तो कुछ लेकर जाएं। सुने सुन आज वापस चिंतन मनन करें, माँ की क्वालिटी है, कल्याणी जो सोच रही है, राधिका जो कह रही, राघव जो कह रहे हैं, सिर्फ अपना ईगो हटाया, उसे समर्पित किया, और आप पाएंगे कि सच में हकीकत में जीवन इतना सुंदर है, उसको सुंदर ही बना रहने दें, अपना ईगो हटा दीजिए। और जीवन एक ही बार मिलता है हमें,
जीवन एक ही बार मिलता है हमें, इसका भरपूर उपयोग कर लेना है, भरपूर उपभोग कर लेना है। नारायण 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 नारायण।